मामला जनपद जालौन के कालपी के सरस्वती ज्ञान मंदिर जूनियर हाई स्कूल राजघाट का है, जहां सरकार द्वारा बच्चों को निःशुल्क खसरा और रूबेला के इंजेक्शन विद्यालय में प्रधानाचार्य को बिना सूचना दिए लगाए जा रहे थे। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी की ANM विनीता द्वारा स्कूल के बच्चों को खसरा व रूबेलू का एक इंजेक्शन लगाने के बाद लापरवाही करते हुए दोबारा उसी बच्चों को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उस विद्यालय में हड़कंप मच गया। वहीं जब मीडिया कर्मियों ने ANM विनीता से जानकारी लेनी चाही तो उन्होंने पत्रकारों से ही प्रूफ करने की बात कह डाली और अपनी गलती को स्वीकार करने से पीछे हटती रहीं। वहीं जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक अधीक्षक अनूप अवस्थी से बात की तो उन्होंने उस ANM को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। क्या नाम है आपका? विद्यालय का क्या नाम है? किस कक्षा में पढ़ते हैं? ये जो खतरा रुबेले के टीकाकरण हो रहा है, इसमें आपको दो बार टीके लगे, कैसे लगे? हम बैठे पहले एक लगाए, उसके बाद दोबारा में फिर लगा दिया। आज ही दो बार लगा दिया है। अच्छा, अभी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी तरीके से? कौन किसमें लगाए हैं आपको टीके? दोबारा लगाया है, अगर किसी ने देखा है तो उसको प्रूफ करके। अच्छा अच्छा, इसके लिए डॉक्टर साहब भी जो है बोल रहे हैं कि जो टीकाकरण हुआ है, बच्चा भी बोल रहा है कि पहले हमको बैठाया गया, उसके बाद दोबारा में फिर हमको टीका लगा दिया गया। और ये चीज डॉक्टर साहब ने भी अभी बोली है यहाँ जो है उसको डबल डोज हुई है। अगर भाई सबको सबकी नजर में है दूसरा लगा है, लेकिन हमारी जान में दूसरा नहीं लगा है। अच्छा। अगर लगा है सबकी नजर में तो हम कहते हैं किसने देखा है, कोई बताए ना। डॉक्टर साहब हमारी तरफ से इसलिए कबूल कर रहे हैं कि हमारे विभाग से हैं, अगर गलती हुई है तो वो मान करते हैं भाई, अगर लग गया होगा, लेकिन किसने देखा है? बच्चा भी बोल रहा है, जिसको लगा है उसको तो पता होगा ना कि एक बार लगा है या दो बार लगा है। अरे लगाने को तो बहुत सारे बच्चे आते जाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है मैडम। आपका तो आप पहला टीका भी उसी के लगा था, आपको तो ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के लगा है, किसके लगा है। और बच्चों के मार्कर लगा दिया जाता है हाथ में, तो आप लोग देख के लगाते हैं? एक ही बार लगाते हैं तो एक ही बार लग रहा है। नहीं मैडम, आप नहीं मानते कि ये चूक है आपके द्वारा? खराब हुआ है मतलब आपका कहना है कि मैंने एक ही बार लगाया है, जैसे कि बच्चा बोल रहा है कि हमको टीका दो बार लगा है। मैडम आप ये गलती मानती हैं या नहीं? पे तो यहाँ से पे कि अगर लग भी गया है दूसरी बार तो उसके कोई एक्शन करने वाले कोई पत्र नहीं है। हम उसको अपनी नजर में भी रखते हैं, अच्छी तरह से केयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा विभाग वाला भी देख रहे हैं सब लोग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप किस पोस्ट पे हैं इसमें? ANM है। नाम क्या? इन लोगों की एंट्री आपने कैसे की थी? मैंने इस बात को रखा कि भाई हमारे पास सूचना है कि एजेंडे भी कैसे कहा, मैंने इस बात को कहा, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अरे वो कोई बात नहीं, हम अगर कोई पहले से तय कार्यक्रम होता तो हम अपने गार्जियन को सूचना देते। चलो करवा लियो, हमसे ये कहा गया कि जो आ रहे हैं गार्जियन उनके लगा, तो ठीक है जो गार्जियन करे अगर एग्री है तो मौजूद है। ये इस तरीके की लापरवाही तो बरती गई, दो बार बच्चों को टीका कैसे लगा? पूछा उसने तो उसने स्वीकार किया है कि उन्हें उससे डबल टीका लग गया और बच्चा अपनी पाया, बच्चा जो है बता रही है कि मैंने सोचा दूसरा बच्चा आ गया तो उसने लगा दिया उसको, तो इस तरह से उसने दो बार उसके बच्चे। तो बच्चा लापरवाही मानते हैं या नहीं? ये लापरवाही है कि मतलब डबल टीका लग गया, डबल नहीं लगना चाहिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो बच्चे को मैंने एग्जामिन कर लिया है, बच्चा नॉर्मल है, उसके वाइटल सारा दस्तावेज। अगर आगे कोई दिक्कत आती है फिर क्या होगा? बच्चे को कोई प्रॉब्लम फिलहाल टीके की वजह से कोई प्रॉब्लम होती है तो विदिन 5 से 10 मिनट के अंदर कर देती है और उसके कोई लक्षण स्तर नहीं है। अगर ऐसा कोई किसी तरह की दिक्कत आती है तो इसके जिम्मेदार क्या आप ही लोग हों? देखिए भविष्य में कोई दिक्कत इसके लिए नहीं हो सकती होगी, क्योंकि इसमें जो शेड्यूल है इसका ये भी अभी जो है कि अगर मीजल्स पहले लग चुका है या MR का वैक्सीन भी पहले लग चुका है, इस तरह के निर्देश हैं तो उस बच्चे को दोबारा दिया जा सकता है, लेकिन ये चूंकि प्लान के अंदर ही दोबारा लगा है
तीसरी दो बार नहीं लग रहा था, दो पर, में दो बार पर पहले अगर लगा हुआ होता है तब भी जो है इसको प्लान में दे चल रहा है उसमें देना होगा, किसी भी ऐसा कोई दिक्कत। ये NM2 करके कोई कार्रवाई की जाएगी? NM2 उसके लिए अधीक्षक महोदय से बताया जाएगा, तो जो भी अधीक्षक महोदय जैसा वन मेडिकल का ये कार्य होता है कि अगर इस तरीके का ये अगर करेंगे कल को कोई सख्त निर्देश उसको मैंने दे दिया भविष्य के लिए। वर्तमान में भविष्य के लिए लगाया जाता है आपको टीका, तो अगर भविष्य में डबल डोज लगी और डबल डोज नुकसान किया तब भविष्य में डोज भविष्य की डोज से कोई दिक्कत, कोई भी दवा हो उसका जो है सिंगल डोज और डबल डोज तो होता है, यहाँ ओवर डोज हर चीज का नहीं, इसका मैंने बता दिया ना हुआ है लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं, ओवर डोज भी कोई नुकसान नहीं होगा, जो होना होता है वो सिंगल डोज में भी हो जाता है दूसरी से भी होता है, पर बच्चा नॉर्मल है इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होगी। क्या बच्चे की एज से भी कुछ फर्क पड़ता है ना डबल नहीं डोज सिंगल उतनी है छोटे बच्चे में भी वैक्सीन लगा दी तो पहले हम ये बता दें कि डबल वैक्सीन लगने की वजह से इस बच्चे को कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने सबसे पहले ये कहा था कि अगर किसी बच्चे को वैक्सीन पहले एक बार लग चुकी है तो क्या इस राउंड में उसे वैक्सीन लगाई जाएगी, तो ये था कि अगर बच्चे को दोबारा वैक्सीन लगा दी जाती है तो इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि बच्चे को NM के द्वारा दूसरी वैक्सीन लगा दी गई है, हम लोगों के द्वारा राउंड से पहले बता दिया गया था कि एक बच्चे को अगर वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही राउंड में करी जाएगी तो आपकी गलती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस NM के द्वारा सुबह भी लेट काम शुरू किया गया जिसका फीडबैक मेरे पास है, आज इस NM के द्वारा डबल वैक्सीन लगाई गई इसको इसने बाद में एडमिट कर लिया है, तो हमारी तरफ से आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी UIP को इनके सस्पेंशन के लिए कार्रवाई के लिए तुरंत भेज दिया जाएगा, जिसकी कॉपी आपको भी उपलब्ध करा दी जाएगी। जालंधर UP24 न्यूज़ के लिए शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।